सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी की मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट प्लेयर्स के बारे में, या फिर कहें तो हम पार्टिसिपेंट्स के बारे में। काफी लोग सोचते हैं कि प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहां पर कुछ कंपनीज लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर्स बायर और सेलर आपस में ट्रेड करते हैं। डेफिनेटली ये प्रोसेस काफी सिंपल लगता है एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को, लेकिन बैकग्राउंड में काफी सारी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर हम तब हैंडीकैप फील करते हैं जब वो टर्म्स हमारे को सुनने को मिल जाती हैं और उनका एग्जैक्ट मतलब हमें पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होता है, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, क्लियरिंग बैंक क्या होता है, कभी आपको सुनने को मिलता है रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट, लीड मैनेजर, तो इन सारी एजेंसीज के क्या रोल्स होते हैं, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप हैंडीकैप फील नहीं करेंगे, तो आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज फॉलो कर सकते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक काफी कॉमन क्वेरी आती है कि अगर हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो उसके लिए हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पे ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम होते हैं और डिलीवरी चार्जेस तो एकदम जीरो होते हैं। लेटेस्ट ऑफर्स, रिकमेंडेशंस और लिंक्स डीमैट अकाउंट आपको कहां खुलवाना चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरी है, अगर आपको इनिशियल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9292924848 पे। साथ में आप हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको अपने स्क्रीन पे मिल जाएगा। फिर आप में से कुछ लोग शायद ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च करने का, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम बेसिक प्लेयर्स के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे आपकी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, एलएनटी, इंफोसिस, ये सारी कुछ पॉपुलर कंपनीज हैं जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, तो इन्हें हम कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। और जब इनका स्टॉक इशू होता है, इनिशियली जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, तब हम कहते हैं इन्हें इशूअर्स। अब इन कंपनीज के अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे दो तरीके के आपके प्लेयर्स होते हैं। एक हो गए आपके इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को खरीदते हैं, दूसरे हो गए ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को खरीदते हैं। कितने टाइप के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं? एक हो गए आपके रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसी जनरल पब्लिक, दूसरे हो गए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहां पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इसीलिए इन्हें हम मार्केट मेकर्स भी बोल सकते हैं। फिर हो गए कॉर्पोरेट्स, कंपनीज भी दूसरे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अब ये ट्रांजैक्शन होती कैसे है? एक तरफ हो गया बायर, दूसरी तरफ हो गया सेलर। बायर पैसे सेलर के नाम पे ट्रांसफर करेगा, सेलर शेयर्स ट्रांसफर करेगा बायर को, और ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होगी स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज को आप समझ सकते हैं एक तरीके की मंडी है, जैसे आप वेजिटेबल मार्केट में कोई सामान खरीद या बेच सकते हैं, शेयर्स को आप खरीद या बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। और ये तो हमें पता ही है, दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, ये सुनने में तो ट्रांजैक्शन काफी सिंपल लग रही है कि खाली पैसे ट्रांसफर हुए बायर से सेलर की तरफ और शेयर्स ट्रांसफर हो गए सेलर से बायर की तरफ, पर क्या ये ट्रांजैक्शन इतनी सिंपल है? देखिए, यहां पे एक दो सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये जो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं बायर के नाम पे, ये स्टोर कहां पे हो रहे हैं? देखिए, हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डीमैट अकाउंट की बात जरूर की थी जहां पे आपके ये शेयर्स स्टोर होते हैं, लेकिन ये कौन सी एजेंसी है जो स्टोर करती है? दूसरा सवाल, अब बायर पैसे ट्रांसफर कर रहा है अगर सेलर के नाम पे, क्या गारंटी है कि सेलर शेयर्स ट्रांसफर कर देगा बायर के नाम पे, या फिर बायर सेलर को पैसे ट्रांसफर कर देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो यहां पे काउंटर पार्टी रिस्क कैसे मैनेज होता है? क्या ये गारंटी स्टॉक एक्सचेंज लेगा? नहीं, स्टॉक एक्सचेंज ये गारंटी नहीं लेता है। यहां पे आ जाते हैं दूसरे इंटरमीडियरीज। अब ये दूसरे इंटरमीडियरीज कैसे काम करते हैं, बैकएंड में पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वो एक बार समझ लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं होती है, बायर और सेलर कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कहता है हम इतने सारी ट्रांजैक्शंस अकेले मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ ट्रेडिंग मेंबर्स अपॉइंट करता है। बायर और सेलर अपने अपने ट्रेडिंग मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं। सो ट्रेडिंग मेंबर सेलर का फॉर एग्जाम्पल ट्रेड लिया उसने और वो ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पे, वो स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मान लीजिए बायर कहता है मुझे 5000 शेयर्स खरीदने हैं किसी कंपनी के, लेकिन ये सेलर उसी कंपनी के खाली 2000 शेयर्स बेचना चाहता है,
तो स्टॉक एक्सचेंज को बाकी के 3000 शेयर्स किसी दूसरे सेलर से लेके आने होंगे। तो ये ऑटोमेटेड मैचिंग सिस्टम होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। लेकिन ये जो ऑर्डर कलेक्ट हो रहे हैं ये ट्रेडिंग मेंबर्स कलेक्ट कर रहे हैं। एक ट्रेडिंग मेंबर हो गया बायर साइड का, एक ट्रेडिंग मेंबर हो गया सेलर साइड का। अब दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि ये हमारे शेयर्स स्टोर कहां पे होते हैं, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे स्टोर नहीं होते हैं। इसके लिए एक और एजेंसी आती है जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक डिपॉजिटरी को प्रमोट किया है जिसे हम कहते हैं NSDL। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्लस कुछ बैंक्स ने मिलकर इसको किया है प्रमोट। सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने प्रमोट किया है CDSL को अलॉन्ग विद फ्यू अदर बैंक्स। तो ये ही दो मेन डिपॉजिटरीज हैं जहां पे आपके डीमैट अकाउंट होते हैं और वहां पे आपके शेयर्स स्टोर होते हैं। तो अगर 2000 शेयर्स सेलर से बायर की तरफ जाने हैं तो वो सेलर के डीमैट अकाउंट से निकल के बायर के डीमैट अकाउंट में चले जाते हैं। यहां पे कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है शेयर्स की। आप डिपॉजिटरी को एक बैंक की तरह समझ सकते हैं और एक बैंक में जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, सिमिलरली डिपॉजिटरी के पास आप ये समझ सकते हैं आपका डीमैट अकाउंट खुल गया जहां पे आपके शेयर्स हैं। और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपॉजिटरी की है डीमैट अकाउंट में शेयर्स सेलर से बायर के अकाउंट में डालने की। अब यहां पे भी ट्रांजैक्शंस क्योंकि इतनी ज्यादा होती हैं तो डिपॉजिटरी भी कहता है ये हम अकेले मैनेज नहीं कर सकते। तो बायर और सेलर कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसी डिपॉजिटरी के साथ। तो यहां पे एक और आपका पार्टिसिपेंट आ जाता है जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी बोलते हैं। ये टर्म भी आपने अक्सर सुनी होगी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या कर रहा है, वो यहां पे सेलर का ट्रेड लिया उसने और उसने कहा कि हाँ डीमैट अकाउंट में सेलर के डीमैट अकाउंट से 2000 शेयर्स अब बायर के अकाउंट में जाने हैं, और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने ये वाला ट्रेड बता दिया डिपॉजिटरी को। तो इस तरीके से आपकी शेयर्स की मूवमेंट हो जाती है। अब तीसरा सवाल, हमने बात करी थी काउंटर पार्टी रिस्क की, बायर कैसे मेक श्योर करेगा कि उसको शेयर्स मिल जाएंगे अगर उसने पैसे दे दिए तो, और सेलर कैसे मेक श्योर करेगा कि उसको पैसे मिल जाएंगे अगर उसने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए तो। यहां पे स्टॉक एक्सचेंज गारंटी नहीं लेता है, इसकी गारंटी लेता है क्लियरिंग हाउस। अब देखिए यहां पे क्लियरिंग हाउस सेलर बन जाता है बायर के लिए और बायर बन जाता है सेलर के लिए, यानी कि गारंटी ले रहा है क्लियरिंग हाउस एज अ सेलर बायर को शेयर्स पहुंचाने की, और सेलर को गारंटी दे रहा है कि हम हैं तुम्हारे बायर और हम तुमको पैसा पहुंचाएंगे, हमारी गारंटी है। अब वो गारंटी देता कैसे है, इसके लिए वो क्लियरिंग मेंबर्स को अपॉइंट करता है या फिर कस्टडियंस को। और ये क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं, यही इंटरेक्ट करते हैं आपके बायर और सेलर से। तो यहां पे भी क्लियरिंग हाउस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है बायर और सेलर्स के साथ। यहां पे भी क्योंकि ट्रांजैक्शंस इतनी ज्यादा होती हैं तो यहां पे भी इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, यहां पे क्लियरिंग मेंबर या कस्टडियंस आ जाते हैं बीच में। तो एक बायर की साइड का क्लियरिंग मेंबर या कस्टडियन हो गया, एक सेलर की साइड का क्लियरिंग मेंबर या कस्टडियन हो गया। और ये गारंटी कैसे ले पाता है क्लियरिंग हाउस, जो भी क्लियरिंग मेंबर या कस्टडियन को ये अपॉइंट करता है उसके पास ये कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बोलता है। वो ये कहता है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उससे 10-15% ऊपर आप क्लियरिंग अकाउंट में पैसा जमा करवाइए, तो अगर कुछ डिफॉल्ट्स हो भी गए तो वो मार्जिन हेल्प करेगा रिकवरी के अंदर। और ये क्लियरिंग अकाउंट खुलता है क्लियरिंग बैंक के अंदर, ये क्लियरिंग बैंक्स एम्पैनल्ड होते हैं क्लियरिंग हाउस के साथ, तो ये गिने चुने ही बैंक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो प्रमोट किया है क्लियरिंग हाउस अपना वो है NSE क्लियरिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस है ICCL, इनके कुछ एम्पैनल्ड बैंक्स हैं, जैसे कि NSE क्लियरिंग के पास आज की डेट में 13 बैंक्स एम्पैनल्ड हैं। तो ये जो भी क्लियरिंग मेंबर या कस्टडियन होगा ये उन्हीं क्लियरिंग बैंक्स के अंदर इनको एक अकाउंट अपना जरूर खुलवाना होगा। ठीक है जी, अब आपको ये लग रहा होगा ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ही हो गई ट्रांजैक्शन, लेकिन आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आप ये देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ब्रोकर की। अब इनमें से एक या दो या तीनों की तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अकेला भी कर सकता है या फिर वो इनमें से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है आपका ब्रोकर और साथ में ट्रेडिंग मेंबर भी है लेकिन वो क्लियरिंग मेंबर नहीं है, तो वो किसी और एजेंसी को क्लियरिंग मेंबर अपॉइंट कर देगा, लेकिन ये चीजें बैकएंड में होंगी, आपको नहीं पता चलेंगी। सिमिलरली बायर का ब्रोकर भी आपको ये सारी की सारी चीजें करके देगा, तो आपको तो खाली ट्रांजैक्शंस करनी है अपने ब्रोकर के थ्रू, आपको खाली खुलवाना होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने ब्रोकर के पास, लेकिन हमें ये प्रोसेस पूरा पता होना जरूरी है। तो ये तो हमने बात कर ली आपके मेन जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट के। अब इनको सारी की सारी एजेंसीज को रेगुलेट करता है जिसे हम रेगुलेटर कहते हैं, वो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं शॉर्ट में।
जैसे कि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिमिलरली स्टॉक और बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी ही डिसाइड करता है सारे लॉज और पनिशमेंट, अगर कोई किसी तरीके का फ्रॉड करती है कोई एजेंसी तो वो पनिशमेंट भी सेबी ही डिसाइड करता है। चलिए ये तो हमने समझ ली सेकेंडरी मार्केट, अब हम एक बार प्राइमरी मार्केट भी समझ लेते हैं। जब कोई कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक होना चाहती है, वो लिस्ट कराना चाहती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो लेके आती है अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीओ। अब यहां पे भी कुछ एजेंसीज को आप समझ लीजिए क्या रोल रहता है। लेट्स से ये एक इशुअर कंपनी है, इशुअर कंपनी मतलब जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है और ये अपने पब्लिक में शेयर्स लेके आना चाहती है। यहां पे ट्रांजैक्शंस क्या है, इशुअर कंपनी अपने शेयर्स दे रही है पब्लिक को और बदले में ये कुछ पैसा रेज करना चाहती है, सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, स्टॉक एक्सचेंज पे होगी डेफिनेटली। लेकिन जब इनिशियली कंपनी लेके आ रही है अपना इशू, तो वहां पे ड्यू डिलीजेंस करना पड़ता है, कुछ एजेंसीज को अपॉइंट करना पड़ता है। और ये कौन सी एजेंसीज हैं, यहाँ पे एक तो होती है आपकी रजिस्ट्रार टू इशू, जो मेनली आपका रिकॉर्ड कीपिंग करता है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, और दूसरे होती हैं आपके शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो एक बार रजिस्ट्रार ने सारे शेयर होल्डर्स के नाम पे इनिशियल शेयर्स इशू कर दिए, उसके बाद शेयर ट्रांसफर एजेंट, अगर मान लीजिए वो शेयर बिकता है तो उसमें शेयर पे नाम चेंज होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शेयर ट्रांसफर एजेंट की। और जनरली ये एक ही एजेंसी दोनों चीजें मैनेज कर लेती है, तो उसे हम कह देते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनफैक्ट अगर किसी कंपनी ने कोई बॉन्ड्स इशू करे हैं तो अगर उसका इंटरेस्ट पे करना होता है तो कंपनी क्या करती है, वो सीधे रजिस्ट्रार के पास जाती है और पूरी लिस्ट निकालती है कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, किनके पास कितने शेयर्स हैं या फिर कितने बॉन्ड होल्डर्स हैं और किनके पास कितने बॉन्ड्स हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है या फिर डिविडेंड देना होता है। और जब ये आईपीओ का प्रोसेस होता है, इसको मैनेज कौन करता है, इसको मैनेज करता है लीड मैनेजर। और ये लीड मैनेजर कौन होता है, ये कोई इन्वेस्टमेंट बैंक होता है या फिर हम उसे मर्चेंट बैंक भी कहते हैं और इसे हम कई बार अंडररराइटर भी कहते हैं। अभी आईपीओ का प्रोसेस डिटेल में हम किसी आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पता चला होगा, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, उनको भी मास्टर इन्वेस्टर सीरीज के बारे में बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।